सो हेलो लर्नर, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप जब वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हो तो क्या पाइथन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करना चाहिए या फिर आपके पास जावास्क्रिप्ट भी ऑप्शन में है, किसके साथ करना चाहिए। वेल तो आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो, बहुत लाइट वेट वेबसाइट बना सकते हो और उनके भी ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क हैं जहाँ पर आप यूज करके एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होते हैं, या तो आप वेबसाइट बनाओगे या फिर जब एंगुलर और फ्लटर ये सब सीख लोगे तो आप ऐप भी डेवलप कर सकते हो। लेकिन जब पाइथन सीखते हो ना, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जाओ, दूसरा डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग के फील्ड में जा सकते हो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ आपको वेब डेवलपमेंट में ही जाना हो तो आप जावास्क्रिप्ट चूज कर सकते हो और इसके जो भी फ्रेमवर्क्स हैं आप उसको यूज करके एक अच्छा वेब डेवलपर बन सकते हो। और अगर आपको आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको वेब डेवलपमेंट में नहीं, हो सकता है आप मशीन लर्निंग में भी जा सकते हो सकता है आप डेटा साइंस में भी जा सकते हो सकता है आप डेवऑप्स में जा सकते हो या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो अगर ऐसा ऐसा चीज़ों का सीनेरियो आपके पास क्रिएट होता है तो आपको पाइथन चूज कर लेना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टस से बात करें तो आप दोनों ही फील्ड में अच्छा खासा वेबसाइट रेडी कर सकते हो। पाइथन में भी आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लगा सकते हो क्योंकि वो फ्रंट एंड होता है ना, तो जिंजर टेम्पलेट एबिलिटी है पाइथन के भी अंदर, तो यू कैन यूज। और जावास्क्रिप्ट तो एक अच्छा वेब डेवलपमेंट के लिए ही बना है, लेकिन उनमें से एक चीज़ जो कॉमन है दोनों में वो है आपका क्रिएटिविटी। जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करोगे उतना ज़्यादा आपके वेब डेवलपमेंट का करियर बेस्ट होता जाएगा। बहुत से लोग क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं देते। मैं एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, तीन साल कह सकते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को देखा है जो एक अपने आप को वेब डेवलपर कहते हैं, किसी अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब आप वेब डेवलपमेंट सीख लेते हो ना, उससे पहले उसके साथ साथ स्लाइटली क्रिएटिविटी सीखो। अब क्रिएटिविटी कैसे आएगी, जब दूसरों का वेबसाइट देखते हो, किसी अच्छे अच्छे वेबसाइट को देखते हो तो उससे आप सीखिए कि ये कैसे बना, इसकी डिजाइनिंग कैसी बनी, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स, कौन कौन सा फ्रेमवर्क को यूज किया गया है, कौन से जगह पर जो पार्ट्स बहुत अच्छा लग रहा है ना उस पे कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स लगाया गया है, कौन कौन सा टैग यूज किया गया, और आप अगर बनाने जाओ तो इस चीज़ को आप कैसे बना सकते हो। तो इस तरह से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और साथ ही साथ आप ग्राफिक डिज़ाइन सीखिए। जो वेब डेवलपर होते हैं ना, वो ग्राफिक डिज़ाइन को अवॉइड कर देते हैं समटाइम्स। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर बनाएगा। वेब डेवलपर और ग्राफिक डिज़ाइनर दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है क्रिएटिविटी। दोनों के अंदर कलर कॉम्बिनेशन और फॉन्ट बहुत सारा नॉलेज होता है डिज़ाइनिंग की दोनों पास। बस बस फर्क इतना है कि एक इमेजेस फॉर्मेट में काम करते हैं और जो वेब डेवलपर है वो HTML, CSS, JavaScript के फॉर्मेट में काम करते हैं। मैं लेकिन अभी भी कहूँगा कि सिर्फ वेब डेवलपमेंट में अगर आपको जाना हो तो आप जावास्क्रिप्ट चूज करिए और एंगुलर सीख लीजिए और फ्लटर सीख लीजिए, इसमें जा सकते हो। बस क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और आपको अगर लगता है कि आपके अंदर कम क्रिएटिविटी है, बहुत लेस क्रिएटिविटी है, आप डिज़ाइन अच्छा नहीं कर पाते, आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स ठीक नहीं है, तो आप पाइथन सीख लीजिए। होगा यूँ कि पाइथन सीखने के बाद जब आप जेंगो फ्रेमवर्क सीखोगे या फिर फ्लास्क सीखोगे, तो उसके बाद भी आप धीरे धीरे क्रिएटिविटी अगर नहीं है तो लॉजिकल तो होगा, लॉजिकल स्किल्स तो अच्छी होगी, तो आपके पास मशीन लर्निंग डेटा साइंस भी सीख करके फुल स्टैक पाइथन डेवलपर के साथ साथ फुल स्टैक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो। तो ये आपके करियर में एक चार चांद लगा देगा क्योंकि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। तो यार आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।